बियर रेडी कर रहे हैं और ये कड़ी चेपड़ी उदा लेते हैं और चलते हैं। तो ये देखो गाइस, फलूदा खा रही है चेपड़ी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और आज अनु का स्कूल में प्रोग्राम है, तो वो आज गया स्कूल, मम्मी भी गई है उसकी, दोनों का प्रोग्राम है। मदर्स डे सेलिब्रेशन है ना स्कूल में, इसलिए। और अभी मैं जस्ट ऑफिस पहुँचा हूँ। संतोष दो दिन से गाँव था, तो मैं भी शायद वो आज आ गया होगा, तो एक बार ऑफिस में चलते हैं, देखते हैं वो आया कि नहीं। तो वह संतोष तो आया नहीं अभी तक, और मैं एक्चुअली कुछ दिन से ना मैं मेंटली थोड़ा परेशान चल रहा था, और बट अभी सब ठीक है, ओके है सब कुछ। मेंटली थोड़ा सा मैं परेशान था, मेरा मतलब दिमागी तौर पर थोड़ा सा टेंशन वाली थोड़ी कुछ चीज़ें थी, तो वो अब क्लियर हो चुकी हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। मेरे ब्लॉग भी नहीं कर पा रहा था मैं एक्चुअली, तो अभी बट अब आज से कंटिन्यू ब्लॉग आते रहेंगे। और ब्लॉग ज़रूरी है, अगर आप किसी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, तभी आगे जाके सक्सेस है उसमें। तो मैं भी यूट्यूब पे तभी सक्सेस होऊंगा जब मैं कंसिस्टेंस रहूँगा। किसी भी फील्ड, आप किसी भी फील्ड में लगा लो, अगर कंटिन्यूटी नहीं रखोगे तो कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। कंसिस्टेंसी ज़रूरी है एक्चुअली, बहुत। आप कुछ भी कर लो, कोई भी काम करो, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। लगातार काम करते रहो, फल अपने आप मिलेगा, सक्सेस मिलेगी। वो टाइम लगता है, मेहनत लगती है, लेकिन मिलती है। तो आज से कंटिन्यू ब्लॉग आते रहेंगे आपके पास। और फिलहाल अभी ऑफिस में हूँ, तो पूरे दिन की एक्टिविटीज़ के साथ मैं आपके साथ बना रहूँगा इस ब्लॉग में। और पूरा ब्लॉग देखना इंटरेस्टिंग रहेगा आज का ब्लॉग, क्योंकि मैं काफ़ी दिन बाद में ब्लॉग कर रहा हूँ, तो काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पर कोई पार्टी वार्टी भी थी, तो उनसे भी रिव्यू लेंगे कि कैसा रहा उनका यहाँ पे एक्सपीरियंस सोसाइटी के अंदर। उन्होंने पहली बार अपने यहाँ पे कोई फंक्शन किया था, तो देखते हैं, उनका भी रिव्यू लेंगे, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। तो बने रहना है लास्ट तक इस ब्लॉग में, बिल्कुल स्किप नहीं करना है और पूरा देखना है आपको। गाइस, एक चीज़ आज शेयर करना चाहता हूँ आपसे, मतलब किसी आदमी पर ना इतना भी विश्वास नहीं करना चाहिए, मतलब फुल इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए किसी भी लिए। जब क्योंकि जब वो विश्वास और वो जो ट्रस्ट जो टूटता है ना, बहुत दुख होता है एक्चुअली कि यार ये इंसान भी ऐसा कर सकता है, जिसके मतलब जिसको हम इतना सही समझते हैं या वो भी है या अच्छा समझते हैं, अगर वो आपके सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहा है और आपके पीछे से आपको विश्वास मतलब आपके साथ में ट्रस्ट तोड़ रहा है ना आपका, तो बहुत दुख होता है। मतलब तो सीख यही है, मॉरल यही है कि किसी पे बहुत ज़्यादा विश्वास भी नहीं करना चाहिए। फैमिली मेंबर को छोड़ के किसी पे भी इतना ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका परिवार ही हर कंडीशन में, हर स्थिति में आपके साथ में खड़ा रहता है, कोई और बाहर वाला कभी नहीं खड़ा रहता। उसको सिर्फ मतलब होता है आपसे कि वो अपना काम कैसे निकाल ले आपसे, वो काम निकालने के बाद में वो आपको ही भूल जाता है, और मतलब सब कुछ भूल जाता है वो, कि कभी ऐसा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। मेरा तो मानना यही है, मेरे अंदर बीती हुई है, मैं एक्सपीरियंस हूँ इस चीज़ में, और रिसेंटली मैंने एक्सपीरियंस किया है कि किसी पे इतना ज़्यादा विश्वास भी नहीं करना चाहिए, कि बहुत ज़्यादा दुख हो जब आपको पता चले कि ऐसा इंसान आपके साथ आपका ट्रस्ट नहीं, आपका ट्रस्ट तोड़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है एक्चुअली। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, सामने वाले को समझना चाहिए कि मैं जब सामने वाला आप इतना विश्वास कर रहा है तो आपको उसका विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। बट होते हैं कुछ लोग एक्चुअली, उनको सिर्फ मतलब काम से होता है और कोई मतलब नहीं होता, कोई दोस्ती यारी नहीं, कोई भाईचारा नहीं, कुछ नहीं, मतलब उनको सिर्फ आपसे मतलब होता है, आप किस तरह से उनका काम निकाल के दे सकते हो, दैट्स इट, ख़त्म। सो गाइस, अब भी जस्ट मेरी संतोष से बात हुई है, वो आज तो वो आ नहीं रहा, कह रहा मेरी तबीयत सही नहीं है आज, तो वो कल सुबह आएगा। और ऑफिस भी मतलब अभी तो ऐसे ही पड़ा है यार, मतलब सफाई वगैरह कुछ हुई नहीं है अभी तो यहाँ पे। तो एक बार मैं देख रहा हूँ कि अभी मैं मूलचंद जी के पास जाता हूँ, एक बार उनको बोलता हूँ, मैंने किसी को भेजे इसकी सफाई तो करवा दो। चलो क्लाइंट क्लाइंट आते हैं, कस्टमर आएंगे तो अच्छा नहीं लगता अगर गंदा दिखेगा तो यहाँ पे। और अभी चलते हैं नीचे, एक बार देखते हैं मूलचंद जी आ गए या नहीं आएगा, कुछ कर रहे हैं तो उनको बोलता हूँ किसी को भेजें यहाँ पे, तो उसके लिए मुझे नीचे जाना पड़ेगा एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे कल रात को फंक्शन था ना, तो बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है नीचे पूरा ग्राउंड, तो क्लीनिंग व्लीनिंग चल रही है अभी उनकी,
टाइम निकलवा के किसी एक लड़के को लेके आता हूँ मैं ऑफिस में, क्योंकि यहाँ पे भी सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलते हैं एक बार, मिलते हैं। तो गाइस कल यहाँ पे एक फंक्शन था, हाउस वार्मिंग पार्टी थी एक क्लाइंट की। तो पूरा मतलब इस वाले इलाके में पूरा उन्होंने टेंट वेंट पूरा लगा रखा था यहाँ पे कंप्लीट, मतलब पूरी यहाँ पीछे से लेके आगे तक पूरा टेंट लगा रखा था इन्होंने। मतलब काफ़ी अच्छा स्पेस निकल गया उनका, आराम से 250-300 लोग आराम से इवेंट कर लिए उन्होंने। नहीं तो वैसे गार्डन लेना पड़ता, गार्डन लेते तो करीब करीब 1 लाख रुपए के आसपास का वो एक्स्ट्रा एक्सपेंस उनका हो जाता, तो वो बच गया। तो सोसाइटी के अंदर घर लेने का भी ये फ़ायदा है कि आपको वहाँ पे बैंक्वेट रूम वगैरह, बैंक्वेट हॉल, सारी एमिनिटीज़ आप यूज़ कर सकते हो, पार्टी हॉल आप यूज़ कर सकते हो, मल्टीपर्पज़ हॉल भी बोलते हैं कहीं कहीं जगह, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो उन्होंने मतलब काफ़ी अच्छा उसका यूज़ लिया है, और पूरा उनके काफ़ी ब्यूरोक्रेट्स वगैरह भी आए थे तो काफ़ी ज़्यादा सही रहा। एक्चुअली घर भी उनका ऊपर ही है, तो फ्लैट भी है उनका, तो वो भी उन्होंने दिखाना था लोगों को। और काफ़ी चीज़ें उन्होंने मतलब इजी हो गई थी, इजी गोइंग थी। हमारा भी जो स्टाफ था उनने भी काफ़ी हेल्प करी है। मूलचंद जी करीब करीब 9 बजे यहाँ से गए हैं, तो पूरा उन्होंने हेल्प किया आज, कल भी उन्होंने हेल्प किया। अब लेकिन आज ना पूरा मतलब मैसी हो गया था, पूरा इसको धुलाना पड़ा है दोबारा, कंप्लीट धोता है मतलब इतना चलता है कि हाँ। क्लीनिंग हमने पहले बोल दिया था कि हम जिस कंडीशन में आपको देंगे उसी कंडीशन में हम आपसे लेंगे, तो वो उसी कंडीशन पे उन्होंने प्रोवाइड भी करवा दिया कि जो भी एक्सपेंस होगा वो पे करेंगे। क्लीनिंग प्रॉपर मतलब अभी हो चुकी है, थोड़ी थोड़ी स्मेल है, वो कंप्लीट हो जाएगी क्लीनिंग, अभी वो कर रहे हैं, लड़के लगे हुए हैं, हाउसकीपिंग स्टाफ जो है वो पूरा अभी कंप्लीट लगा हुआ है, तो कंप्लीट है, लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट है। लिफ्ट भी मतलब गंदी थी पूरी है, बस अभी पूरा क्लीन कर दिया इसको भी, मिट्टी विट्टी सब साफ कर दी यहाँ से। सो देखो गाइस, हन्नू को मिला सेकंड प्राइज। स्कूल में आज परफॉर्मेंस थी ना मदर्स डे की, इसलिए बेस्ट परफॉर्मर सेकंड मिला है वैसे, बट ठीक है, पार्टिसिपेट करना ज़रूरी होता है, फर्स्ट सेकंड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इम्पोर्टेंट है आप पार्ट ले रहे हो। यस, ये भी ऑलमोस्ट दिन के 3 बज रहे हैं, मेरे को नींद से आ रही है, मैं बैठा हूँ अभी लॉबी एरिया में, ऊपर बैठूँ ऊपर गर्मी लग रही थी, मैं अभी आ गया हूँ लॉबी एरिया में, ये कुछ ऐसा लॉबी एरिया सोफ़ा वगैरह डला हुआ है, और अभी आ गया हूँ मैं लॉबी में, पता नहीं आज नींद से आ रही है थोड़ी, सुमन ये ऑफिस है, थोड़ा काम कर रहा था मैं अभी, वो जस्ट कंप्लीट किया है, और थोड़ी देर के लिए मैं नीचे आया था हवा वगैरह के लिए, तो यहाँ पे धूप बहुत तेज़ होती है, बाहर नहीं निकला जा रहा बिल्कुल भी। आई थिंक करीब होगा 40-42 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होगा आज, 5-6 दिन से गर्मी पड़ रही है, मतलब गर्मी भी होना ज़रूरी है, मौसम सब ज़रूरी है, हर फसल के लिए हर मौसम ज़रूरी है, फसलों के लिए नहीं है वो तो सारा सिस्टम बिगड़ जाए, इकोसिस्टम जो है वो बिगड़ जाएगा पूरा। हर टाइम पे हर चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, तो नींद से आ रही थी तो मैं थोड़ा नीचे आ गया था, अभी चलते हैं वापस करते हैं कुछ काम। सो गाइस अभी देखो चेपड़ी आई है फलूदा लेने के लिए, फलूदा रेडी हो रहा है हमारा, भैया रेडी कर रहे हैं, और ये कड़ी चेपड़ी फलूदा लेते हैं और चलते हैं, ये कड़ी चेपड़ी फलूदा मार्केट रेडी, थोड़ी और आइसक्रीम जा रही है अभी सही, ये एक और रह गया और ये रह गया एक और डबल आइसक्रीम, फिर से डबल, ये डबल, एक और रह गया ये, डन।
ये 30 वाले दो बादाम छोड़ दिए। अबे डाल गुन्नू, चॉकलेट आ गई गुन्नू। चॉकलेट डन, चॉकलेट चाहिए इसको, डन हो गई। तो ये देखो गाइस, फलूदा खा रही है चेपड़ी। फलूदा ये क्या ही है मार्केट से, देखो इसको। फलूदा खा रही है आज, पाँच साल बाद फलूदा खा रही है, कभी फलूदा नहीं खाया इसने। तो भी गाइस, अभी मैं हूँ जस्ट मार्केट में, और मैं आया था अभी शेविंग वेविंग कराने के लिए, क्योंकि कल तो गुरुवार था, तो मैं वैसे नहीं कर पाई, फिर कल सैटरडे हो जाएगा इसलिए नहीं करा पाएंगे, फिर आज करा लेते हैं। अभी टाइम था, सुबह टाइम मिलता नहीं एक्चुअली, तो मैंने शेविंग करवाई है, थोड़ा सा ट्रिम करवाया है बस, और कुछ नहीं। तो चलते हैं घर पर, खाना खाते हैं। तो गाइस, यहाँ पर हनु कुछ बना रहा है। क्या बना रहा है, क्या बना रहे हैं? बैल। तो आज अनु आज बैल बना रहा है अपने जैसा। तो अब अनु बैल बनाता है, और हम इस व्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, वॉच टाइम जल्दी से पूरा करना है एक्चुअली मेरे को। लाइक शेयर व्यूज़ भी आने चाहिए थोड़े थोड़े। बाकी कल मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।